1, 2, 3, let's go. ऊपर ना विंडो पे कोई खड़ा है ना। तानिया भी तैयार हो चुकी है। आप ही नहीं हो तुम्हारी आज। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं कश्मीर। जैसे मेरी बहन का एक सॉन्ग आया है उसका शूट के लिए। अभी पैकिंग शैकिंग करनी है। रात को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी तो रास्ते थोड़े से ख़राब होंगे, बट चलेगा ना। अभी जाते हैं, कुछ पैकिंग शैकिंग अभी रहती है, दो तीन चीज़ों के मेकअप वगैरह की बाकी हो गई थी, बस वो भी कम्प्लीट करते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं कश्मीर को। सो अभी बस हम गाय का इंतजार कर रहे हैं। गई है चानिया, मैं फ्रंट पे बैठूं। तो यार हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। मैं आते साथ ही ट्रेन में सो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा। और अभी सिर्फ डेढ़ घंटे का सफर रह गया, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जेलम। 2 hours later नाश्ता वगैरह नहीं किया, बस चाय पी थी और अभी भी चाय ही पी है, क्योंकि अभी जो शानिया पी की मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहीं पे जाना है तो उन्होंने जल्दी मेकअप करवाना है, तो चलते हैं और मेकअप करवाते। मैं तो नहीं होगा, उन्हीं का होगा। पेट्रोल पंप पे इधर से कुछ खाने पीने को लेना है। ये आप लोगों की आज मॉडल है, ठीक है? आज मैं मॉडल हूँ, मेरा बैकग्राउंड कॉपी। सो मेकअप वगैरह हम कर लें, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और शानिया भी तैयार हो चुकी है। मैं आप ही नहीं हूँ तुम्हारी आज, आज मैं मॉडल हूँ, तुम इससे प्लीज पेश आओ। आज मैं इनकी असिस्टेंट बनी हुई हूँ, ठीक है ना? हुआ? और बस अभी हम ना शूट लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। ये हम जाते हुए ये शेरशाह सूरी है। पगडंडिया क्या है? क्या हो? हाँ ये मोहन जो निकल आ गई है। आमी जो तुम्हारे ऊपर ना विंडो पे कोई खड़ा है, नजर नहीं आएगा बट खड़ा है। खड़ा है कोई? ये जो धक्का दूंगा घाट है इधर, कहीं फांसी दी जाती थी लोगों को। शानिया चलो आपकी बारी है फांसी की। फांसी करने के लिए हम लोग जान करता होगा नूर, जब उस बेचारे को फांसी मिलने वाली, जब वो इधर से चलता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। इधर से जो व्यू है ना ऑसम है। ला जाओ हम भी फांसी कर देखे। ओए होए होए, वो इतना प्यारा है ना, लुक एट दिस, ये कितना खूबसूरत है। और नीचे काफ़ी ज़्यादा ही वो है, बहुत खूबसूरत व्यू है यार। सो इधर से मैं बता रही थी कि हमारे कैमरामैन भाई नीचे से आए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। और मैं सोच रही थी कि अगर मैं इधर नीचे गिर जाऊँगी तो मैं जिंदा बच जाऊँगी ना, मतलब हड्डियाँ वड्डियाँ तो टूटेंगी बट जिंदा बच जाऊँगी मैं। लेकिन चानिया अभी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, वो जगह मैं खो चुकी थी। और मैं बस यही बताना चाह रही थी कि यार पीछे जगह कमाल थी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। और फाइनली वो काम शुरू हो जाता है जिसके लिए हम यहाँ तक आए थे, आई मीन शूटिंग शुरू हो ही जाती है। और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हो गया क्योंकि कोई बंदा इधर से आ गया, उन्होंने कहा कि इधर मूवी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते, जो कि हम लोग पहले अप्रूव करके आए थे, बट फिर भी मसला बना दिया। तो अब कोई और लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा सा शूट हुआ तो कोई 46 सेकंड का, बट क्या ही कह सकते हैं, हम कुछ और ढूंढते हैं। अब वापस जा रहे हैं, वापस जा के कोई और न्यू लोकेशन ढूंढते हैं। ऐसे लोकेशन बहुत मज़े की थी। हाँ अभी तो मैंने टिकटॉक्स भी नहीं बनाई थी। हाँ हाँ ये भी सही है। क्या होगा वैसे? कार लेके अकेला रोहतास पे चढ़ जाऊंगी। है शान? I guess so. और मैं रिकॉर्ड करूंगी कैमरामैन एना के साथ। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, मुझे निस्वा भी लेना है मेरे, तुम्हें पता है ना, मेरे शॉर्ट के लिए भी, मेरे ब्लॉग के लिए भी दोनों। हेलो, ये बहुत प्यारा है।
आई तो मैं अपनी टिकटॉक्स वगैरह बनाने आई हुई थी, और अभी जाके देखते हैं उनका शूट हुआ कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कल भी उन्हें आज भी उन्हें मौसम पीछे बाल अपने संभाल मौसम बहुत प्यारा आया आज के दिन में, वैसे तो मसला हो गया बट चलता है ऐसे कामों में। तो अभी इनका शूट आई थिंक अभी भी चल रहा है, लाइक नज़र नहीं आएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 20 minutes later और फिर हम पहुंच गए कुछ खाना पीना खाने। वैसे तो मैंने कोई काम नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन मैं वैसे भी थकी गई थी, तो कुछ खाने पीने के हम बैठ गए थे। और इधर से हमने सोचा था कि अब सीधा पहुंचेंगे हम होटल रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी कुछ ना करते हुए। शानिया आपी ने तो किया था बट मैंने कुछ नहीं किया था। वैसे अभी हम होटल के रूम में पहुँच चुके हैं, रात काफ़ी लेट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लेट तो नहीं हुई बट सब बहुत थक चुके हैं, और सुबह भी 7 बजे निकलना है, तो जल्दी सोना ही बेहतर रहेगा। इधर बिस्तर वगैरह सारे सेट कर रही हैं और आके बस सोने की तैयारी करते हैं। तो इस व्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करूँगी, कल एक न्यू व्लॉग बनाऊँगी। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय।